है, दिस इज सी ए मयूर अग्रवाल और मैं आपके सामने एक स्पेशल वीडियो लाया हूँ स्पेसिफिकली जो बच्चे दिसंबर 19 में एग्जाम दे रहे हैं और इस टुडे ऑलमोस्ट अक्टूबर नवंबर में अब दो महीने भी नहीं बचे और दिसंबर में एग्जाम दे रहे हैं और इस दो महीने में इनका ECL, EBCL, ECL ओल्ड कोर्स और EBCL न्यू कोर्स इकोनॉमिक बिजनेस कमर्शियल लॉ और इकोनॉमिक एंड कमर्शियल लॉ इसका स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए स्पेसिफिकली फॉर ECL में बात करूंगा। बहुत सारे टिप्स दूंगा जिसके तहत आपको कैसे क्या टैकल करना है क्या करना है इस पे बात होगी। सबसे पहले मैं आपको स्टार्ट कर रहा हूं कि पेपर एनालिसिस, पेपर पैटर्न में क्या क्या पूछा जाता है क्योंकि थ्योरेटिकल पेपर है, लॉ बेस्ड पेपर है, तो पेपर में क्या क्या उसका पार्ट्स है और क्या क्या है एनालिसिस ऑफ पेपर। सबसे पहले अगर आप देखते हो ये चीज मैंने सामने 7 पार्ट में डिवाइड किया, 7 टॉपिक्स डिफरेंट अथॉरिटीज लाइक कॉम्पिटिशन एक्ट, CCI किसने बनाया है, CCI में कितने लोग हैं, CCI को अपॉइंट कौन करेगा, CCI क्या काम करेगा, हर लॉ में कोई ना कोई गवर्नमेंटल अथॉरिटी है उसके ऊपर क्वेश्चंस आने के चांसेस है। तो अथॉरिटी बच्चा सिर्फ रीड करता है याद नहीं करता है। लाइक अगर मैं बात कर रहा हूँ सिमिलरली कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, तो उसके अंदर कंज्यूमर काउंसिल्स है, रिड्रेसल फोरम्स है, इनका पिक्यूनरी लिमिट क्या है, ये लोग कौन से जुरिस्डिक्शन में काम करते हैं, ये सारे चीज अथॉरिटीज में आता है, ये एक पार्ट है। हर लॉ के अंदर एक कोई अथॉरिटी होती है, समझे मेरी बात। लाइक अगर कंपनी लॉ अगर मैं बोल रहा हूँ, नॉट एग्जैक्टली कंपनी लॉ बट एग्जाम्पल, तो ROC होता है, NCLT होता है, तो ऐसे अथॉरिटीज हर लॉ में होते हैं, इसके बारे में आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिर एप्लीकेशन बेस्ड प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बहुत पॉपुलर एरिया है, एक आधा हमेशा क्वेश्चन प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है। लाइक सिमिलरली कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट केस लॉ बेस्ड, ये जो है कि ये हुआ तो आपने क्या करना चाहिए, ये दूसरा तरीका होता है। तीसरा जो आजकल एग्जामिनर बार बार टच कर रहे हैं क्योंकि आपके ECL EBCL में लगभग 20 या 20 से ज्यादा टॉपिक है, हर एक्ट का कुछ फीचर स्कोप कैरेक्टरिस्टिक्स है, लाइक मनी लॉन्ड्रिंग का स्कोप क्या है, करेक्ट है। सिमिलरली अगर मैं बात करूँ कंज्यूमर प्रोटेक्शन का ऑब्जेक्टिव क्या है, ये जो इंट्रोडक्शन पार्ट है एक आधा क्वेश्चन वहां से आ रहे हैं, ये फीचर स्कोप कैरेक्टरिस्टिक्स पे अमेंडमेंट्स ये फेवरेट एरिया अगेंस्ट है, अगर अमेंडमेंट है तो अमेंडमेंट डिफरेंसिएशंस कि सीज और कॉन्फिस्केशन में क्या फर्क है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ पर्सनल सर्विस, कॉन्ट्रैक्ट फॉर पर्सनल सर्विस, डिफरेंसिएशंस, पेनल्टीज ये हमेशा पूछा जा रहा है, लाइक मेन टॉपिक की पेनल्टी, सारे टॉपिक में पेनल्टी है, लाइक फेमा पे पढ़ लो, करेक्ट है, ये पेनल्टीज आता है। और स्मॉल टॉपिक्स जो सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन एक्ट, स्टैम्प एक्ट, ऐसे छोटे टॉपिक्स जो ECL में बता रहा हूँ वो आपने कवर करना है जो बच्चा जनरली छोड़ के जाता है। तो पूरे पेपर को एनालाइज अगर मैं करता हूँ तो अलग अलग तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, पेनल्टीज पे पूछे जा रहे हैं, अथॉरिटीज पे पूछे जा रहे हैं, एप्लीकेशन बेस पे पूछे जा रहे हैं, सिमिलरली लॉ फीचर्स उसके स्कोप क्या है, इंट्रोडक्शन पार्ट पे पूछा जा रहा है, स्मॉल पेनल्टीज टॉपिक्स, स्मॉल टॉपिक्स और डिफरेंसेस पे पूछे जा रहे हैं। ये हो गया आपका पहला पार्ट कि पेपर एनालिसिस क्या है। उसके बाद कुछ अगर मैं इंपॉर्टेंट बात करना चाहता हूँ, जस्ट होल्ड ऑन, मैं चाहता हूँ कि आगे के दो महीने में अक्टूबर नवंबर में इंस्टीट्यूट के वेबसाइट पर 10 साल के पेपर्स क्वेश्चन बैंक अपलोड किए, ठीक है। अब बोलेंगे सर हमारे पास तो स्कैनर भी है, स्कैनर में क्वेश्चंस है, यस आई एग्री। जिन बच्चों का पढ़कर हो गया है, जो जनरली होता नहीं है, अगर हो गया है तो आप लोग क्वेश्चन पेपर लेकर अब 10 साल के पेपर सॉल्व करना चाहिए ऐसा मुझे लगता है। सर स्कैनर क्यों ना करें, अरे स्कैनर में सारे क्वेश्चंस को फिल्टर करके टॉपिक वाइज किया है, तो जो बच्चों का पढ़ के हो गया है उसने क्या कर लेना है, सारे क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने की कोशिश करनी है, समझे मेरी बात। बट अगर नहीं पढ़ के हुआ, आपका ऑलरेडी आपका पढ़ाई बाकी है, स्टार्ट करना बाकी है, तो फिर आप स्कैनर से क्वेश्चन ले लो बेटा, आंसर वहां से लेना मत, आंसर आपके नोट से बनाना है क्योंकि इंस्टीट्यूट के पास ऑलरेडी आंसर्स अवेलेबल है। आप कोई भी पब्लिकेशन का स्कैनर यूज करते रहेंगे, ऑलरेडी टॉप पर ये इनके पास आंसर्स है, आपने वहां से आंसर लिखा तो इंस्टीट्यूट को पता है वहां से है आपको मार्क्स मिलने वाले नहीं है, आप स्कैनर रट्टा करके गए हो। तो सर कंक्लूजन क्या है, जो बच्चों का अच्छा खासा कवर हो गया है 60-70% या जो बच्चों का पूरा हो चुका है, ये इंस्टीट्यूट के वेबसाइट पर जाएंगे icsi.edu/media/webmodules/cicsiweb/questionpapers.htm,
यहां पर आप जाओगे तो आपको 10 साल के पेपर्स मिलेंगे. 10 साल के पेपर मतलब लगभग 20 पेपर, और 20 पेपर मतलब अगर 100 मार्क्स से भी ज्यादा ऑप्शन के साथ है तो 2000 मार्क की सॉल्विंग आपने कर ली है प्रैक्टिस, तो आपका प्रोबेबिलिटी 60 प्लस आने के पूरी चांसेस है. तो जिन लोगों का पढ़ के हो चुका है या काफी मेजर हो चुका है वो क्वेश्चन पेपर लेके उसको सॉल्व करेंगे. सॉल्व मतलब उसके क्वेश्चन देके आंसर्स बनाएंगे, ठीक है. क्यों सर? क्योंकि उसमें मिक्स करके क्वेश्चन पेपर आता है, हर टॉपिक का एक साथ आता है, तो आपको क्लिक होगा हाँ ये टॉपिक से, हाँ वो टॉपिक से, प्रैक्टिस करना आपको चीज का. पर जिन्हें पढ़ा ही नहीं है तो वो स्कैनर से क्वेश्चन लेंगे, क्योंकि फिल्टर करके क्वेश्चन चैप्टर वाइज है वो आपने करना चाहिए. तो अक्टूबर नवंबर में आपका क्वेश्चन प्रैक्टिस होना बहुत जरूरी है जो मुझे लगता है. फिर बहुत बच्चे कांटेक्ट करते हैं यूट्यूब या वहां पे कॉल करते हैं कि सर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक बताइए, थोड़ा मैं क्लेरिफाई करूंगा कि सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट है बट कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो हर एग्जाम में मेजरली आए हैं तो उसको थोड़ा मोर इंपॉर्टेंट टॉपिक बोलूंगा. इट डजंट मीन, आई एम क्लेरिफाइंग, इट डजंट मीन कि आपको इतना ही पढ़ के जाना है, आपको पूरा पढ़ के जाना है, बट इन टॉपिक पे ज्यादा ध्यान देना है, ज्यादा एफर्ट लेना है. ज्यादातर तो बच्चों सर मेन मेन टॉपिक बता दो, इट्स नॉट अ सिंपल एग्जाम, इट्स अ प्रोफेशनल एग्जाम, तो सारे टॉपिक है, ऐसे कोई वेटेज नहीं होता है. बट यस, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है पास एग्जाम देखते हुए, जो टॉपिक हर एग्जाम में आए हैं उस हिसाब से मैं उसको मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बोलता हूं. अगर ये जो 9 टॉपिक्स मैंने लिखे हैं इसके अलावा जो रिमेनिंग टॉपिक है वो पढ़ना नहीं, ऐसा नहीं, वो पढ़ना है बट ये टॉपिक पे ज्यादा एफर्ट लेना है. सो कौन से टॉपिक है आपके सामने? ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, ये ओल्ड कोर्स न्यू कोर्स दोनों में. कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, ये बहुत पॉपुलरली पूछा था. कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पे एक आधा क्वेश्चन आता ही है 5 मार्क का. फेमा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, ओल्ड कोर्स न्यू कोर्स दोनों. मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉज, ये ओल्ड कोर्स में कॉपीराइट ट्रेडमार्क पेटेंट डिजाइन एंड ये सब है. आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन एक्ट से हर साल हर एग्जाम में पेपर आ रहा है. एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन ये ओल्ड कोर्स में है. कॉम्पिटिशन एक्ट ये ओल्ड एंड न्यू दोनों में है. देखो न्यू कोर्स का मैं अभी ज़्यादा कमेंट नहीं कर सकता हूँ क्योंकि न्यू कोर्स के क्वेश्चन बैंक अभी इंस्टीट्यूट के नया है तो इतना अवेलेबल नहीं है. बट ECL अगर मैं बोल रहा हूँ इतने सालों से तो मैं उसका एवरेजिंग करके आपको बता रहा हूँ कि ये टॉपिक्स पे आपने स्पेशल एफर्ट लेना है, प्लस दूसरे टॉपिक्स भी पढ़ने हैं. सब वो टॉपिक आपने 2 बार पढ़ा तो 3 बार पढ़ना है, इस पर एफर्ट थोड़ा ज्यादा लेना है. तो मैंने आपको टॉपिक्स बता दिए. सबसे पहले पेपर पैटर्न बताया कि क्या टाइप के क्वेश्चंस आते हैं. डिफरेंसेस, अथॉरिटीज, पेनल्टीज, करेक्ट है, अमेंडमेंट्स, करेक्ट है, ये सब प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बेस्ड ये क्वेश्चंस है. उसके बाद मैंने आपको बोला कि आपके 2 महीने के स्ट्रैटेजी में आपने क्वेश्चन टू आंसर पढ़ना है. अभी तक पढ़ी रहे टिक कर रहे हैं बट क्वेश्चन आते ही आपका रिएक्शन क्या आना चाहिए, ये प्रैक्टिस होना बहुत जरूरी है. तो 10 साल के पेपर आपने सॉल्व कर लेना है. तीसरा मैंने आपको बताया कि क्या फ्रीक्वेंट टॉपिक्स पूछे गए हैं, कौन से फ्रीक्वेंट टॉपिक्स है. 4th टिप अगर मैं बात करूंगा, मॉड्यूल के एंड में सेल्फ टेस्ट क्वेश्चंस करके हर चैप्टर के एंड में 5-5 क्वेश्चन दिया है, कोई भी स्टूडेंट उसको देखता भी नहीं है. इंस्टीट्यूट के मटेरियल को आप कैसे इग्नोर कर सकते हो, समझे मेरी बात? आप कोई भी मटेरियल पढ़ो, आप मेरे पढ़ रहे हो, किसी और के पढ़ रहे हो, बट ये जो सेल्फ टेस्ट क्वेश्चंस है हर चैप्टर के एंड में 5-5 क्वेश्चन दिए. अगर एग्जांपल है तो 20-22 टॉपिक है तो 5 क्वेश्चन मतलब 100 क्वेश्चन कवर होता है, इसमें से 1-2 क्वेश्चन तो आ ही जाएंगे. आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? 10-15 मार्क तो फिक्स हो गए आपके. तो ये सेल्फ टेस्ट क्वेश्चन को पढ़ लेना है, उसके ऊपर ग्लॉसरी समरी नोट्स भी रहते हैं. मॉड्यूल के एंड में दोनों चीज होती है, ये आपने एक बार देख लेना है. 2 महीने में आपको ये चीज करनी ही चाहिए. और एक चीज है, एक स्लाइड मैंने जो स्किप किया जो मैं आपको लेके जाऊंगा. सम अदर टिप्स जो थोड़ा इंपॉर्टेंट है दिखाता हूं. सम अदर टिप्स, स्टार्ट मेकिंग समरी नोट्स. क्या होता है, बच्चे पढ़ने जाते हैं 20-22-25 टॉपिक, उसके बाद जब रिवीजन करना है और एग्जाम के एक दिन पहले आपको पढ़ना है तो सारे टॉपिक कवर नहीं हो पाते. तो आपने जब पढ़ रहे हो तभी की पॉइंट्स, हेडिंग्स, ये आपने आपके नोट्स में लिख लेना है. जो आपके 300, 400, 500 पेज के नोट्स है वो 150 पेज में कंप्रेस करना है, ये अलग से नहीं कर सकते. पढ़ते पढ़ते ही नोट्स बनते हैं. अगर आप सोच रहे हो मैं पहले पढ़ लूंगा फिर नोट्स बनाऊंगा, नहीं होगा. ये एफर्ट एक बार लेना है, समरी नोट्स उधर की उधर बनाना है,
देखो समरी नोट्स में बना के दे सकता हूँ, बट अगर हर चीज आपको दूंगा तो आपको खुद याद नहीं रहेगा। सबका सोचने का एंगल अलग अलग है, सबको कुछ वर्ड्स, शायद किसी को एक वर्ड से याद आएगा, ये पॉइंट किसी और वर्ड से याद आएगा। अगर हर चीज हम कंप्रेस करके देंगे बेटा तो कहीं ना कहीं वो आउटपुट आने वाला नहीं है। आपको खुद के समरी नोट्स बनाने हैं, 100-150 पेजेस में पूरे पोर्शन को अभी 2 महीने बैठकर कन्वर्ट करना है। अगर आपने किया होगा तो बहुत अच्छा, नहीं किया होगा तो राइट टाइम अक्टूबर नवंबर में आपने कंप्लीट करना है। सिमिलरली डोंट स्किप स्मॉल टॉपिक्स, छोटे टॉपिक आते हैं, सोसाइटीज एक्ट, रजिस्ट्रेशन एक्ट, स्टैंप एक्ट, ईसीएल की बात कर रहा हूँ। ऐसे छोटे टॉपिक्स को हम क्या करते हैं, मेन टॉपिक को 3-3 बार पढ़ लेते हैं अगर, और छोटे टॉपिक पढ़ के ही नहीं जाते, 5-5 मार्क के 3-4 क्वेश्चन आ गए तो आपके 25 मार्क तो लॉस हो गए। कभी भी ऐसा नहीं करना, बायस नहीं रहना, सारे टॉपिक्स पढ़ के जाने। फिर पॉसिबल है, अगर पॉसिबल है, एक टेस्ट सीरीज आपके आसपास अगर है अवेलेबल तो सॉल्व करो। डायरेक्ट एग्जाम में जाकर आपको टाइम मैनेजमेंट नहीं आएगा, थोड़ा पहले ही टाइम मैनेजमेंट अगर आप कर लोगे, एक आदत हो जाएगी, 3 घंटे में कैसे आंसर कितना अलॉट करना है, कैसे स्टार्ट करना है, तो थोड़ा सा आप कहीं ना कहीं प्रिपेयर रहोगे। इसको वार्म अप एक्सरसाइज बोलता हूँ मैं, क्रिकेट मैच स्टार्ट होने से पहले जो वार्म अप एक्सरसाइज करते ना, इतने बड़े क्रिकेटर्स होकर भी ग्राउंड पे प्रैक्टिस करते कि नहीं, तो ये वार्म अप एक्सरसाइज आपके लिए जरूरी है। और एक आधा टेस्ट पेपर सॉल्व करो, टेस्ट पेपर सॉल्व करना जरूरी क्यों बोल रहा हूँ, टाइम मैनेजमेंट का जजमेंट आएगा बेटा, मेरी बात मानो। आप पढ़ रहे हो डायरेक्ट 3 घंटे के एग्जाम में आपको 100 मार्क का पेपर लिखना है, आपको पता नहीं है कि फ्लो कैसा होना चाहिए, तो अगर पॉसिबल है आपके आसपास या जो भी अगर होगा एक टेस्ट सीरीज दो। जरूरी नहीं कि वो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए, बट एक राइटिंग प्रैक्टिस और एक टाइम मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से पॉसिबल है तो दो। डोंट जस्ट रीड, ट्राई टू रिकॉल। हर बच्चा ऑडिट करता है, हाँ ये मुझे आता है, हाँ ये आता है, टिक। बुक बंद करो, मिरर के सामने पॉइंट्स रिकॉल करने की कोशिश, रिकॉल करो, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सिर्फ रीड करोगे तो देख के लगता है ये तो सब आता ही है, अरे ऐसा नहीं होता है। आपके सामने अगर कोई, वो बच्चे को नहीं, हम जैसे बच्चा कोई डांस करता है, छोटा बच्चा 3-4 साल, पेरेंट्स पीछे से हाथ दिखाते रहते हैं ऐसा करो ऐसा करो, तो वो तो कोई भी देख के, बगैर देख के आपको आ रहा है क्या, वो आप डायरेक्ट एग्जाम में मत चेक करो। आप जब पढ़ रहे हो बुक बंद करो कि चलो एग्जाम्पल है कि मनी लॉन्ड्रिंग के स्टेप्स 3 है, प्लेसमेंट, लेयरिंग, इंटीग्रेशन। प्लेसमेंट में क्या लिखना है, हाँ याद नहीं आ रहा है, फिर देखा। तो बगैर देखे रिकॉल करने की कोशिश करो। और डेली टारगेट जो बहुत सक्सेसफुली चल रहा है, ऑल इंडिया से कम 1000-2000 बच्चे इसमें इन्वॉल्व है। डेली टारगेट का वीडियो ऑलरेडी मैंने थोड़े दिन पहले डाला था, रोज मैं उनको बताता हूँ कि क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है। मैं डाइट प्लान देता हूँ, आप हेल्दी रहे, आपको क्या 4 टॉपिक पढ़ने हैं वो मैं डिसाइड करूंगा, कभी मीठा खाना कभी तीखा खाना। तो आपको पढ़ाई का टारगेट मैं डेली देता हूँ 2 महीने के लिए। अब जो बच्चों ने नहीं भी किया होगा तो एनरोल कर सकते हैं ऑफिस के नंबर पे 8880220000। डेली टारगेट के ऊपर वीडियो ऑलरेडी हमने थोड़े दिन पहले डाला था, जिन लोगों को आइडिया नहीं है वो देख सकते हैं। ये सब आप करोगे तो आपको अच्छा खासा स्कोर मिलेगा। तो व्हाट इज माय पॉइंट, मैंने आपको पेपर एनालिसिस बताया क्या पेपर पूछा जा रहा है, फिर मैंने आपको बोला कि 2 महीने में 10 साल के पेपर सॉल्व करो। अगर आपके पास टाइम नहीं है, आपने नहीं पढ़ाई स्टार्ट की है, स्कैनर देखो। अगर आपने काफ़ी कर लिया है 60-70% 100%, तो आप क्वेश्चन बैंक डाउनलोड करके सॉल्व करो। तीसरा मैंने आपको बताया कि ट्राई टू रिकॉल। चौथा मैंने बताया एक आधा टेस्ट सीरीज ट्राई करो टाइम मैनेजमेंट सीखने के लिए, परफेक्शन हर चीज़ में होनी चाहिए। फिर मैंने आपको बताया मेक समरी नोट्स, एग्जाम के एक दिन पहले सारे टॉपिक कवर होने चाहिए। फिर बोला कि छोटे टॉपिक्स को इग्नोर मत करो, पढ़ के जाओ, आपको लगता है ये क्या पढ़ना है, ऐसा नहीं होता है। फिर मैंने आपको बोला कि डेली टारगेट ये जो चल रहा है, अगर आप फॉलो कर रहे हो तो आपके स्कोर बढ़ेंगे। जो लोग नहीं कर पाए अभी भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं ऑफिस के नंबर पे, हम उस पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। और फिर मैंने आपको बताया कि कौन से टॉपिक्स बहुत ही फ्रीक्वेंटली लगभग मेजर एग्जाम्स में पूछे गए हैं। फिर बोला कि मॉड्यूल के पीछे सेल्फ टेस्ट क्वेश्चंस है, इसको सॉल्व करो, बहुत जरूरी है। और एक छोटा सरप्राइज यह है, ECL इज द लास्ट अटेम्प्ट फॉर December 19, न्यू कोर्स स्टार्ट हो चुका है CS के अंदर। तो ये बच्चों के लिए मैंने कुछ टॉपिक्स सिलेक्ट किए जो अक्टूबर मंथ में मैं YouTube पे अपलोड करूंगा बेटा। 3-4 चैप्टर्स के मैं अपलोडिंग करूंगा, छोटे टॉपिक्स जो 5-5 मार्क के लिए आ सकते हैं, नॉट मेजर टॉपिक्स, छोटे टॉपिक्स, बट वो आपको मिलेगा। 3-4 चैप्टर्स के वीडियोज आपको मिलेंगे। सब कब मिलेंगे वो मैं डिसाइड करूंगा, रोज कभी एक वीडियो, कभी 2 दिन में नहीं है, फिर अचानक 2 वीडियो, आप उसको देखते रहो, आपको 3-4 चैप्टर कवर हो जाएगा, कम से कम 15-20 मार्क कवर हो जाएंगे। ओके, तो वो बच्चों के लिए स्पेसिफिकली मैंने वो डालने के लिए सोचा ECL नॉट EBCL। आप क्लियर हो गए, क्योंकि ECL का ये लास्ट अटेम्प्ट है। आई वॉन्ट एवरी वन टू बी इन प्रोफेशनल।
और सेकंड बड़ा सरप्राइज है, ठीक है, जो बच्चे डेली टारगेट फॉलो कर रहे हैं, जो बच्चे वीडियोस टाइम पे देख रहे हैं, कमेंटिंग कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, इनका एनालिसिस हमारे पास आता है कि जो बच्चे टच में है, मतलब वो डिसिप्लिन्ड है, वो वीडियोस लेक्चर देख रहे हैं, वो लोग डेली टारगेट फॉलो कर रहे हैं, क्वेरीज पूछ रहे हैं, शेयरिंग हो रहा है, लाइकिंग हो रहा है, कमेंटिंग हो रहा है, ऑल इंडिया लेवल से ऐसे 5 बच्चे चुने जाएंगे और वो 5 बच्चों का टेस्ट पेपर जो है मैं डिज़ाइन करके भेजूंगा। वो बच्चों का टेस्ट पेपर वो घर से लिखेंगे और वो 5 बच्चों का टेस्ट पेपर मैं पर्सनली चेक करूंगा। इफ़ यू आर लाइकिंग, कमेंटिंग, सब्सक्राइबिंग, फॉलोइंग, डेली टारगेट, शेयरिंग, एवरीथिंग, उसका एनालिसिस पे मैं मेरे डिस्क्रिप्शन पर 5 बच्चे ऑल इंडिया लेवल पे सिलेक्ट करके उनको टेस्ट सीरीज, एक एक पेपर नवंबर में जब डेली टारगेट एंड होगा उसके बाद एक लगभग 10 नवंबर से पहले उनका टेस्ट सीरीज का पेपर मैं भेजूंगा, एक एक पेपर भेजूंगा 100 मार्क का। वो लोग टेस्ट पेपर लिखेंगे, उनका चेक मैं करूंगा, उनके पेपर्स में क्या प्रॉब्लम थे या क्या अच्छा या क्या बुरा जो भी है, मैं उनका नाम नहीं लूंगा बट ये पेपर डिस्कशन में वीडियो बनाऊंगा और बाद में उन 5 बच्चों को एक छोटा सा गिफ्ट भी रहेगा। बेस्ट विशेस, थैंक यू, कीप सब्सक्राइबिंग, लव यू, बाय।